अर्जुन मोरवाडिया जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, तुषार चौधरी जी, जगदीश ठाकुर जी, किशन पटेल जी, जीतू भाई चौधरी जी, ईश्वर भाई पटेल जी, के राजू जी, सुष्मिता देव जी, हर्षवर्धन सपकाल जी, आनंद चौधरी जी, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस NSUI, महिला कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज सुबह मुझे उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। रायबरेली में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, काफी लोगों की मृत्यु हुई, काफी लोगों को चोट लगी। मैं वहां गया, अस्पताल में जाके लोगों से मिला, परिवारों से मिला। इसके कारण आपको यहां थोड़ा रुकना पड़ा, आपको थोड़ा कष्ट हुआ, 2-3 घंटे आपको बैठना पड़ा। तो मैं आपसे शुरुआत में ही माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया। देखिए, गुजरात का सच एक चीज है और बीजेपी का सच दूसरी चीज। जो गुजरात का सच है उसका बीजेपी के सच से कुछ लेना देना नहीं, और जो बीजेपी का सच है उसे गुजरात के सच से कुछ लेना देना नहीं। गुजरात का सच गुजरात के नौजवानों की बेरोजगारी है। गुजरात का सच गुजरात के किसानों का दर्द और लाचारी है। गुजरात का सच महंगी प्राइवेट शिक्षा और महंगा इलाज है। गुजरात का सच हर चीज में भ्रष्टाचार और जमीन की चोरी है। गुजरात का सच पाटीदार नौजवानों पर चली गोली है। गुजरात का सच ऊना में दलितों पर पड़ी लाठी है। गुजरात का सच आदिवासियों की भीख और बेरोजगारी है। और बीजेपी का सच 5-10 सबसे बड़े उद्योगपतियों का फायदा है। बीजेपी का सच आपकी जमीन, आपकी बिजली, आपका पानी, आपके पैसे की चोरी है। बीजेपी का सच नैनो कार के नाम पर 33,000 करोड़ रुपए की टॉफी है। बीजेपी का सच सूट बूट वालों की यारी है। यहां पे सच्चाई और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। गुजरात की जनता कुछ कहती है, 6 करोड़ लोग कुछ कहते हैं, वो कुछ महसूस करते हैं। और गुजरात को जो चलाते हैं 3-4 लोग और उनके उद्योगपति मित्र कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं। 22 साल आपने बात सुनी, आपने अपना पानी दिया,
जमीन दी, बिजली दी, आपको वायदा किया था शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, आपसे ले लिया और आपने दिल खोल कर दिया जो आपका था। यह हमारे आदिवासी भाई हैं, आपने दिल से गुजरात के लिए कष्ट उठाया, दर्द सहा, जमीन दी, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियां लगती हैं ये आपकी जमीन पर लगती हैं, आपकी जमीन छीनी जाती है। तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है। तो आपने बहुत ज्यादा नहीं मांगा, आपने बीजेपी के लोगों से कहा कि देखिए गुजरात का विकास कीजिए और जो हमारा है वो हमें दे दीजिए। और गुजरात की सरकार ने आपसे कहा नहीं, आपका यहां पे कुछ नहीं है, ना पानी आपका है, ना बिजली आपकी है, ना जमीन आपका है, पूरा का पूरा 5-10 उद्योगपतियों का है। यह है गुजरात की सच्चाई। बहुत साल पहले महाभारत की लड़ाई हुई थी, लड़ाई शुरू होने से पहले दुर्योधन जी, अर्जुन जी कृष्ण जी के पास गए, वो भी सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई थी। और कृष्ण जी ने दुर्योधन से कहा पांडव मान गए हैं, 5 गांव इनको दे दो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और दुर्योधन ने जवाब दिया मेरे पास सत्ता है, मेरे पास शक्ति है, सुई की जो नोक है बिना लड़ाई के नोक भी नहीं दूंगा, बिना लड़ाई के यहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है। यह दुर्योधन ने कृष्ण जी से कहा। आज भी सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई है। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सारे लोग थे, बड़ी आर्मी थी, हथियार थे, पांडवों के पास सिर्फ सच्चाई थी और कुछ नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ सच्चाई है और कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान में, इतिहास में झूठ कभी नहीं जीत सकता है, सच ही जीतता है। और यहां पे भी कभी ना कभी सच जीतता है। मोदी जी के पास पुलिस है, आर्मी है, सरकार है, गुजरात की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, गोवा की सरकार है। हमारे पास सच्चाई है और हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच्चाई सिर्फ हमारे पास नहीं है, यह सच्चाई
गुजरात के हर आदिवासी, हर किसान, हर दलित, हर पिछड़े, हर पाटीदार, हर गुजराती के दिल में यह सच्चाई है कि 22 साल से आपने हमसे लिया, बीजेपी ने हमसे लिया, मगर आज अगर हमें अपने बच्चों को कॉलेज भेजना पड़ता है तो जेब में से कम 5-10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि गुजरात में 90% कॉलेज बीजेपी ने प्राइवेटाइज कर दिए हैं, उनके नेताओं के हाथ में है और उनके उद्योगपतियों के मित्र, उनके उद्योगपति मित्रों के हाथ में। इलाज की जरूरत पड़ती है प्राइवेट अस्पताल में जाइए, दिल का दौरा पड़ता है, किसी के माता पिता को कैंसर होता है, एक्सीडेंट में चोट लगती है तो जाइए प्राइवेट अस्पताल में जाइए, 5-10-15 लाख रुपए पहले दिखाइए और फिर इलाज कराइए। नैनो के मैंने बात की, 33,000 करोड़ रुपए जितना पैसा यूपीए सरकार ने मनरेगा को पूरे देश में चलाने के लिए दिया, 35,000 करोड़ रुपए में हमने मनरेगा चलाया, पूरे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी की गुजरात की सरकार ने टाटा कंपनी को एक फैक्ट्री लगाने के लिए दिया, जमीन दी, आज की बिजली दी, पानी दिया, कहा था रोजगार मिला मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिला। तीन दौरे लगे मेरे, हजारों किलोमीटर में सड़क पे गया हूं, मैंने एक नैनो गाड़ी नहीं देखी। मैं ढूंढ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे एक नैनो गाड़ी पूरे गुजरात में मिल जाए। मैं कहूं किसी का तो फायदा हुआ, मगर मुझे एक नैनो गाड़ी नहीं मिली। आदिवासी भाइयों से कहा था 2007 में, कहा 15,000 करोड़ रुपए आदिवासियों के विकास के लिए करूंगा दूंगा, नहीं दिया। उसके बाद कहा 2012, 5 साल बाद कहते हैं ठीक है 15,000 करोड़ रुपए नहीं दे पाया, 40,000 करोड़ रुपए मैं 2012 में दूंगा। 2016 हो गए, क्या आपको 55,000 करोड़ रुपए मिल गए? आपको कहा था 5 लाख आदिवासी युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, मिल गया। सबको घर देने की बात की थी, मिल गया सबको घर। अच्छी शिक्षा की बात की, मिल गई शिक्षा। सबको स्वास्थ्य देने की बात की, मिल गया स्वास्थ्य। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे अशोक गहलोत जी बैठे हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के हर नागरिक को मुफ्त में दवाई और इलाज का काम करके दिया था। इनके समय पूरे राजस्थान में राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में जाता था, कैंसर का इलाज कराता था, दिल का दौरा होता तो इलाज कराता था, मुफ्त में इलाज कराता था। यह है कांग्रेस पार्टी का काम, कांग्रेस पार्टी की सरकार। मोदी जी ने कहा मैं मेक इन इंडिया करूंगा, करोड़ों लोगों को मैं हर साल
रोजगार दिलवाऊंगा। 2 करोड़ युवाओं को हर साल मोदी जी ने रोजगार देने की बात की थी। हमारा मुकाबला चीन से है। आप सेल्फी लेते हो, फोन पे बात करते हो, उस फोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा है। चाइना में बनता है फोन। जब आप बात करते हो, सेल्फी लेते हो, चाइना के युवा को रोजगार मिलता है। 50,000 युवाओं को 24 घंटे में चाइना में रोजगार मिलता है। हमारा मुकाबला उनसे है। या रोजगार चाइना में मिलेगा या फिर हिंदुस्तान में, या सेलफोन पे मेड इन चाइना लिखा होगा या फिर मेड इन इंडिया लिखा होगा, मेड इन गुजरात लिखा होगा। अब सुनिए मोदी जी का चमत्कार। चाइना में 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे में सिर्फ 450 युवाओं को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। मतलब जितने लोग यहां बैठे हैं, हाँ जो हाथ उठा रहे हैं, ये 400 लोग जो बैठे हैं, पूरे देश में 24 घंटे में सिर्फ इनको रोजगार मिलता है। ये है मेक इन इंडिया का चमत्कार। कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहां 2 करोड़, कहां 450। साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिलता हिंदुस्तान में। 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। यह सच्चाई है। एकड़ जमीन बीजेपी की सरकार ने गुजरात की जनता से छीनी है। 6.5 लाख एकड़, उसमें से 60% जमीन आज तक प्रयोग नहीं की गई। आज तक 60% पर कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई उद्योग नहीं लगा, मगर वो जमीन आदिवासियों को वापस नहीं मिली। वो जमीन अभी भी उन 5-10 उद्योगपतियों के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल में कुछ साल पहले आंदोलन चला था। उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी जमीन की लड़ाई लड़ी, जैसे आप लड़ते हो, गुजरात के लोग लड़ते हैं, गुजरात के आदिवासी लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ जाके खड़ी हुई, और नया कानून हम लाए, जमीनी अधिकरण बिल। कानून में लिखा था किसी की भी जमीन बिना पूछे नहीं ली जा सकती है, और अगर ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसको मिलेगा। यह हमारा कानून था। पूरे हिंदुस्तान में हमने इसको लागू किया। अब देखिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में होता है। इस कानून को बदलने की कोशिश किसने की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी ने 3 बार लोकसभा में इस कानून को रद्द करने की कोशिश की, मगर हम लड़े उनसे और रद्द नहीं करने दिया। फिर उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर से कहा कि लोकसभा में हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, कानून को आप गुजरात में बदलिए। और उन्होंने आपसे जमीन छीनने के लिए इस प्रदेश में कानून बदला। हम ऐसा कानून लाए कि आप लोग पंचायत के माध्यम से अपना विकास करो, उसको इन्होंने यहां इंप्लीमेंट किया। आदिवासी बिल लाए, हम आए थे कि आपका जल, आपकी जमीन और आपका जंगल, इन सब चीजों का फायदा आपको मिले।
उस बिल को इन्होंने यहां इंप्लीमेंट नहीं किया और बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस गुजरात की शक्ति है। आज नवंबर पर पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं नोटबंदी करके इन लोगों पर जबरदस्त चोट मारी। लंबे लंबे भाषण देते हैं, अलग अलग चीजें कहते हैं, मगर नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के बारे में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। हमने इनसे कहा कि देखिए, आप टैक्स लगाते हैं तो एक टैक्स लगाइए 18% पे लगाइए, क्योंकि अंत में टैक्स गरीब व्यक्ति देता है और गरीब व्यक्ति 28% टैक्स नहीं दे सकता है। हमने उनसे यह भी कहा कि अगर आप जीएसटी लागू करना चाहते हो, आस्ते से करो, प्यार से करो, टेस्ट करके करो, मगर उन्होंने कहा नहीं, 12 बजे रात को हम जीएसटी लागू करेंगे। अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। नोटबंदी ने 2% जीएसटी गिरा, जीडीपी गिरा दी और जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स ने और जबरदस्त नुकसान किया है, मगर मोदी जी इन चीजों के बारे में नहीं बोलेंगे। अमित शाह के पुत्र की कंपनी के बारे में, जय शाह की कंपनी जो शाहजादा खा गया, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे अलग अलग चीजों के बारे में। अगली बार आएंगे तो उनसे एक सवाल पूछना, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आज 24 घंटे में हिंदुस्तान में 450 युवाओं को रोजगार मिलता है, ये सच है या झूठ है? आप उनसे ये भी पूछना, 6.5 लाख एकड़ जमीन आपने हमसे छीनी, क्या ये सच है कि उसमें से 60% जमीन पे कुछ नहीं हुआ और वो जमीन आपने हमें वापस नहीं दी? आप ये भी पूछना कि आदिवासियों को आप नर्मदा का पानी देते हो, गुजरात के गरीबों को आप नर्मदा का पानी देते हो, या सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को नर्मदा का पानी देते हो? ये सच्चे सवाल हैं गुजरात के सामने, और इनका जवाब आपको कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। अगर आप रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये काम करके दे सकती है। हम ये काम करना जानते हैं। देखिए, हम आपको 15 लाख जैसा वायदा कभी नहीं करेंगे, ये हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वायदा खोखला होगा। हम आपसे सच्चाई कहते हैं। कभी कभी आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है, कभी कभी आपको सच नहीं अच्छा लगता है, मगर हम कह देते हैं। मगर सच्चाई के बिना ये प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। गुजरात से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप मत भूलिए, जैसा आज अमेरिका है सुपर पावर कहलाता है, वैसा 70-80 साल पहले इंग्लैंड हुआ करता था। उन दिनों का सुपर पावर था और सुपर पावर को हिंदुस्तान से किसने भगाया? गुजरात के 2 बेटों ने, महात्मा गांधी और पटेल जी, सरदार पटेल जी, गुजरात ने सुपर पावर को बताया। सच्चाई सुपर पावर को बताई। और अगर आप
सच्चाई सुपर पावर को बता सकते हो तो आप सच्चाई बीजेपी को भी बता सकते हो और आने वाले दिनों में आप बताओगे। आप दूर दूर से आए, रात का समय है, आपको काफी कष्ट हुआ, महिलाएं भी आई हैं, आपको भी कष्ट हुआ, घर जाने में आपको समय लगेगा, मुश्किल होगी, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपने जो कष्ट उठाया, दो तीन घंटे मैं लेट हुआ, इसके लिए मैं फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद। एक बार जोरदार कांग्रेस आवे से, कांग्रेस आवे छे, कांग्रेस आवे छे, राहुल जी अपनो कार्यक्रम खूब लेट थे से, चार पांच कलाक आगळ वापीनो कार्यक्रम छे, एटले मंचस्थ महानुभव तमाम अने आदरणीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना उपाध्यक्ष राहुल जी अने आपणा गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ना माननीय अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी जी।